इसके जो फायदे हैं, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, जिनको कील मुहासे निकल जाते, इवन ब्लड की मॉर्फोलॉजी, ब्लड के जो शेप है उसको अच्छा कर देता है। नमस्कार, अनुलोम विलोम। आइए जाने अनुलोम विलोम करने का सही तरीका। सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं ओर से श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास अपने भीतर अपने फेफड़ों में भरा, बीच की उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करके जो श्वास भरा था उसे बाहर छोड़ दें। जितनी देर में श्वास लिया उतनी ही देर में श्वास छोड़ेंगे तो आपके फेफड़े अच्छे से कंप्रेस होंगे और पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। फिर यहीं से आपने श्वास दोबारा भरना है दाहिनी ओर से, अंगूठे से बंद करके पूरी तरह से श्वास बाहर। अब आपने हाथों को ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना, आप ध्यान मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जिस भी मुद्रा में चाहे आप बैठ सकते हैं, वायु मुद्रा में बैठ जाएं। इस तरह से ध्यान को केंद्रित करके अपने आज्ञा चक्र में आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ें, फिर भरा, छोड़ा। इस तरह से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा आधा घंटा इस प्राणायाम को किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि दाहिना हाथ ही क्यों उठाने को कहा, दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद क्यों करवाया। हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से ये तीन मुख्य नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये निकलती हैं। जो दाहिना स्वर है ये सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर को का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि सूर्य माने गर्म। और जो ये हमारा अंगूठा है ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। जब गर्मी के साथ गर्मी ये से टच होगी तो इसका बैलेंस बनेगा। और बाईं जो नाड़ी है ये चंद्र नाड़ी है, ठंडी नाड़ी। जिस तरह से श्वास लिया जाता है, शीतल श्वास आपने भरा, छोड़ दिया, उसके बाद फिर ये सूर्य नाड़ी से गर्म श्वास और गर्म ठंडा। आपने देखा होगा हाइड्रोथेरेपी भी जो है योग आयुर्वेद के अंदर की जाती है, इसी तरह से ये अलट पलट करके गर्म ठंडा जब किया जाता है तो अंदर से हमारे ऑक्सीजन का प्रवाह इतना ज़्यादा हो जाता है और हमें शुद्धिकरण जो है एक बॉडी का हो जाता है। अब इसमें एक विशेष बात कि हमने बाईं ओर से जब श्वास भरा, छोड़ा, जब आप इसको समापन करेंगे अनुलोम विलोम को, तो बाईं ओर से ही श्वास छोड़ के आप विश्राम करें। ऐसा ना हो कि दाहिनी ओर से आपने छोड़ के विश्राम कर दिया तो ये आपका सर्कल पूरा नहीं होगा। जहां से शुरू किया था वहीं से ही जब श्वास को छोड़ा जाता है तो ये अनुलोम विलोम का आपके साइंस के लिए आपको कुछ फायदे बता दूं, आपको लेने का तरीका बता दिया। इसके जो फायदे हैं, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, जिनको कील मुहासे निकल जाते हैं, ब्लड प्योर नहीं रहता, रक्त शोधक सिरप पीने पड़ते हैं, प्यूरीफाई करना पड़ता है। ये अनुलोम विलोम जब निरंतर कुछ समय तक किया जाए तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी हो जाएगी कि उसमें से टॉक्सिन्स अपने आप बाहर निकल जाएंगे। इवन ब्लड की मॉर्फोलॉजी, ब्लड के जो शेप है उसको अच्छा कर देता है, इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी कर देता है। और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलने से हमारे अंदर रक्त जो HB है वो भी बढ़ जाता है। ये थे, अब किसे नहीं करना, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर सकता। इसको धीरे धीरे हर एक व्यक्ति हर एक अवस्था में कर सकता है। इवन गर्भवती महिलाएं या जिनका ऑपरेशन हुआ हो वो इसको तेज गति से ना करें,
धीरे धीरे कर लें। सहज सहज आप इसे कर सकते हैं। और जिन्हें पूरी बॉडी में विशेष लाभ लेने हैं वे इसे थोड़ा तीव्र गति से लंबे समय तक श्वास भर के इस तरह से वो कर सकते हैं। आप अपनी समर्थता के अनुसार चयन करें कि आपको धीरे करना है, तेज करना है, मगर जब इसमें निरंतरता, एक सार्थकता और कंसंट्रेशन जब बन जाती है तो इस जो प्राणायाम के विशेष लाभ आपको मिलते हैं।